तुमने तो भाई की मौत को भी कैश कर लिया। You are great, बल्कि great is an understatement. Amazing, तालियां, तालियां। शेजा तुम यहाँ बैठी भी हो? क्या हुआ? तुम पता भी है क्या हुआ? वहाँ मीसब ने सबके आगे वफा का तमाशा लगाया है। चलो। What? कमाल करती है, कमाल। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये लड़की मोहब्बत के काबिल है? नहीं। क्या ये इज्जत के काबिल है? नहीं। क्या ये किसी के नाम के काबिल है? नहीं। शिजा इधर आओ, तुम मुझे बताओ क्या ये लड़की मेरी मोहब्बत के काबिल है? बल्कि तुम क्या बताओगी, मैं बताता हूं, तुम सिर्फ नफरत के काबिल हो। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। क्या हुआ? शर्म आ रही है? बेइज्जती महसूस हो रही है? अरे तुम जैसे छोटे लोगों को इज्जत कहां राज आती है? हाँ, तुम लोग तो सिर्फ दूसरों की बेइज्जती करके फख्र महसूस करते हो। मैं क्या कहूं यार, क्या करूं? स्टील के ग्लास में पानी पीने वाले को शीशे की अहमियत कहां मालूम होती है? लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चिल करो यार, क्या हो गया, कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं तो कोई और मिल जाएगा, हाँ, जो तुम्हारी डोर थाम लेगा, मुझसे भी ज्यादा अमीर होगा, क्योंकि तुम चुटकियों में ना, चुटकियों में फंसाना जानती हो, क्योंकि ये हुनर तो तुम्हें विरासत में मिला है। लेकिन एक मशवरा है मेरे पास तुम्हारे लिए, जरा गौर से सुनना। बेशक निगाह आसमान पर हो, ये बात जरूर याद रखना कि पैर हमेशा जमीन पर रखे जाते हैं। मजाक उड़ा रहे हो मेरी मोहब्बत का? क्या क्या कहा तुमने? जरा दोबारा कहना ताकि सब लोग सुन सके। आप लोगों ने सुना है उन्होंने क्या कहा? ये कह रही है कि मैं इनकी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा हूं। ओ भाई, जिस शख्स की मोहब्बत का मजाक ऑलरेडी बन गया हो, वो भला किसी और का मजाक कैसे उड़ा सकता है? अरे जुल्म तो तुमने किया है मेरी मोहब्बत का मजाक बना के, और जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है ना, अल्लाह उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है, बिल्कुल वैसे जैसे आज तुम हो रही हो। मैंने तुम्हें डूब कर चाहा था वफा, लेकिन तुमने तो मुझे डुबा दिया। अरे तुम जैसे लड़कियों को संसार कर देना चाहिए, संसार। और फरहाद तुम्हारा शोहर, उसकी इज्जत बेचने से बेहतर था कि तुम उसका गला दबाकर जान से मार देती। क्योंकि लोग बेवा को सहारा देते हैं, किसी और की बीवी को नहीं। और इसे देखो, देखो इसे गौर से, मेरी बचपन की दोस्त है ये, जिसकी मोहब्बत को मैंने बुरी तरह से इग्नोर किया, दो टके का करके रख दिया। पता है क्यों? तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तुम्हारी खुदगर्ज मोहब्बत में अंधा हो चुका था। तुम्हें पता है अच्छे लोग ना जिंदगी में किस्मत से मिलते हैं, उनका ख्याल रखना हमारा हुनर कहलाता है। ना तो तुम हुनरमंद निकली और ना खुशकिस्मत। अफसोस की बात है कि सब कुछ पाकर भी सब खो दिया, और मैंने सब कुछ खोकर सब पा लिया।